हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से थोड़ा कम ठीक हूँ। क्योंकि देखो, और दिन आप कहते होंगे कि तुम्हारे पीछे कपड़े रहते हैं, आज देखो आज मेरे पीछे क्या है, ये है मेरा पूरा सामान और मैं हो गई हूँ घर से बेघर, क्योंकि मेरे रूम पर हो रहा है वाइट वॉश। और ना मैं सुबह से यहाँ पर बैठ रही, मुझे इतनी भयंकर धूप लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अभी 1:30 बज गए और मुझे जाना भी है आज, शायद इधर रात में ही खाना होगा। पर डर इस बात का है कि मैं निकली तो यहाँ पे ना बहुत बंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा आतंक मचाते हैं। तो वही है कि समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या इतने सारे सामान का, और जाना भी है ही, जाना भी इम्पॉर्टेंट है ही। तो डर बंदरों की लग रही है कि आतंक ना मचा दे मेरी सब्जियाँ वगैरह। और मैं दूध लेके आई थी कल, वो भी गर्म नहीं किया, बहुत सारी गाजर लेके आई थी, वो भी मुझे लग रहा है कि आज सब शहीद होने वाले हैं। तो विश करती हूँ कि शाम तक काम हो जाए। वैसे तो अंकल लोग कह रहे हैं शाम तक भी मुश्किल हो पाएगा, विश करती हूँ कि हो जाए, क्योंकि मेरे को अंदर जाना है, मेरे को बैठना है। मैं सुबह से धूप में यहाँ पे कड़ी धूप पे बैठ रखी हूँ और मैं बाहर बैठ रखी अपना सामान वामान लेके, और इतनी धूप लग रही ना मैं बता नहीं सकती। ये देखो मेरा सामान, ये देखो सामान, और अंदर जो है अंकल लोग वाइट वॉश कर रहे हैं। देखो यार, इस बुलबुले में कॉपी भी नहीं मिल रही, सामान ढूंढने में बड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं कहाँ होगी। यार देखो, मतलब अगर वहाँ पे रूम पे काम चल रहा है तो मैं अपना झाम ताम लेके यहाँ पे ग्राउंड में बैठ रखी हूँ। और ये पीछे देखो, यहाँ पे भी ये बतख क्या होते हैं, ये बगुले जो भी है, आश्चर्यचकित हो गई मैं तो। यहाँ पे ग्राउंड में घूम रहे हैं और यहाँ सबके सब क्या कर रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहे हैं और मैं अकेले ग्राउंड में बैठ रखी हूँ। ये देखो दिन के 12 बजे भी यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, पर हाँ आज धूप नहीं है। लकी, ये महिंद्रा ग्राउंड, दिस इज महिंद्रा ग्राउंड। और इन लोगों को देख के मेरा मन में कर रहा है कि मैं भी इनके साथ क्रिकेट खेलने लग जाऊं। और प्रॉपर ड्रेसअप हो रखे, वाइट ड्रेस में टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये, और मेरा इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखो भाई क्या भयंकर प्रैक्टिस चल रही, 2 3 1 2 3 ले ले, कहीं पे चल रहा है, यहाँ पे आके मेरी आंख निकाल रहे फिर। आ जाओ इधर, आओ 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 आओ, काओ काओ काओ। ग्राउंड से भी निकल गए हैं, ग्राउंड से भी बेदखल। अब जाती हूँ रूम पे, देखते हैं, होप्स वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया होगा। वैसे तो अभी एक बार ही जाऊँगी, शाम तक हो पाएगा काम, उन्होंने ये कहा है। और अभी तो बज रहा है, इट इज़ 1:45। तो ग्राउंड में जो है आज बढ़िया लकी थी मैं, क्योंकि लाइट धूप थी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, इसलिए बच गई। तो अच्छा टाइम पास हो गया, क्रिकेट वगैरह देखने में भी सही टाइम पास हो गया। हमारी टुक्कू कुत्तों से डर रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम सर के लिए बर्थडे प्लान कर रहे हैं, कर रहे हैं, यही तो शर्मा भी रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। हाँ तो हम सर का बर्थडे प्लान कर रहे हैं और सर के रूम पे जा रहे हैं, मतलब हम क्लास रूम में जा रहे हैं वो करने के लिए, सजाने बजाने के लिए। तो आज का दिन बहुत बिजी हो गया, मेरे को सामान भी कलेक्ट करना है उधर। इसकी नजर खाने पे ना, ओए दिन में धूप लग रही थी, अब शाम को ठंडा लग रहा है, बहुत भयंकर हवा चल रही है। और पीछे देखो सन कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कि ऑरेंज होगा कोई। कैमरे में आ ही नहीं रहा।
ओहो बेचारा वाइट सन लग रहा है तो चंदा मामा लग रहा है, पर ऑरेंज है दिखने में एक्चुअली में। फाइनली रूम इज रेडी और देखो क्या आफत आई होगी आप सोच सकते हो, क्योंकि आप सबने ही किया होगा ना जब क्या कहते हैं ये पेंट वगैरह का काम होता है उसके बाद सामान बाहर से अंदर, वो मेरे साथ तो कोई है भी नहीं अकेले अकेले इतना सारा काम, और अभी ना मैंने सरफेस पे पोछ हमारा 2 बारी और अपना सामान सेट किया पूरा का पूरा, तो थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत और बाकी है, अभी बेड वेड भी सेट करना है, और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया एक समोसे के अलावा, तो अब ठूसूंगी पेट में, मैं सब थकान लग गई है, मन कर रहा है सीधा लुढ़क जाऊँ, पर देखते जो भी होगा। मैं आपको अपने अंडे की ट्रे दिखाऊँ, देखो दिस इज रेड अंडे,